हमारी मांग है कि कार्यकर्ताओं पे, जो कार्यकर्ताओं को शोषण किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है और अमीरों को दुलार किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। इसका सीधा सा मतलब सब लोग जानते हैं कि आज अफसर बिल्कुल मनमानी तरीके से रवैया अपना रहे हैं, बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, कोई भी काम करके नहीं दे रहे हैं। 3 महीने पूर्व हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मुकेश माहौर के साथ एक जानलेवा हमला किया गया, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज की गई SC ST और 307 जैसी संगीन धाराओं में, लेकिन 3 महीने लगातार घुमाते घुमाते हो गए, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उनसे साठ गांठ करके 307 की धारा निकाल दी है, ऐसा अभी हमारे संज्ञान में आया है। तो प्रशासन का कहना है कि ये गलती से किसी और की 307 निकालनी थी, इसकी निकल गई है। तो हमारी ये मांग है कि जो प्रशासन इतने दिन से घुमा रहा है, अब हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और हम यहाँ से जब ही उठेंगे, जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी कि उस आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उसी 307 और SC ST की धारा में जेल भेजा जाए। आज तो हम धरने पर बैठे हैं, कल से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहीं पर बैठेंगे, SSP कार्यालय पर बैठे हुए हैं, यहीं पर अनिश्चितकालीन धरने का हमने योजना बनाई है, बैठेंगे कल से हम लोग भूख हड़ताल। क्या था ये जो लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा? आज ये कुछ लड़के जो जागरण मंच के अपने बता रहे थे, ये पुलिस ऑफिस में आए, इनके मांग ये थी कि एक अभियोग में किसी धारा को कम किया गया है, इस संबंध में आयोग को निर्देशित कर दिया गया था कि जो भी तत्व मिलते हैं उसके आधार पर कार्रवाई करें, उसके बावजूद ये लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ करते रहे और उसके पश्चात इन्होंने पुलिस ऑफिस का गेट बंद करके लोगों को आने जाने से रोक दिया, जो आने वाले थे उनसे दुर्व्यवहार करना शुरू किया, इसके पश्चात आवश्यक थोड़ा से बल प्रयोग करके इनको तितर बितर कर दिया गया है, 7 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई है उनके विरुद्ध की जा रही है। तो गेट जो बंद किया था सर, मेन और SSP ऑफिस में आने वाला गेट था, क्या था? हाँ, जो मुख्य गेट था वो बंद किया गया था, जिससे पब्लिक को दिक्कत हो रही थी और ये ज्ञात हुआ कि जो लोग आ रहे थे, अंदर आना चाह रहे थे, उनके साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसके पश्चात हमें कार्रवाई करनी पड़ी। सब्सक्राइब कीजिए UP ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।